स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। सिंगापुर में हृदय रोग विशेषज्ञों समेत डॉक्टरों के एक समूह ने अमेरिका में टीका ले चुके 13 साल के एक बच्चे की मौत के बाद देश में कोविड 19 टीकाकरण पर विशेषज्ञ समिति से करीब 2,00,000 स्कूली बच्चों का टीकाकरण अभियान रोकने का अनुरोध किया है। मीडिया ने रविवार को इस बारे में खबर दी। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खो क्वांग पी ने विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर बेंजामिन ओंग को संबोधित करते हुए शनिवार को फेसबुक पर एक खुला पत्र पोस्ट किया। एक पोस्ट में डॉक्टरों ने कहा कि जब तक अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और दुनिया भर के अन्य संगठन इस मामले में अधिक ठोस और विश्वसनीय आंकड़ा नहीं देते हैं, तब तक के लिए इस टीकाकरण अभियान को रोकना जरूरी है। अमेरिकी मीडिया में गुरुवार को आई खबर के अनुसार मिशिगन में सैगिना काउंटी से एक लड़के की कोविड 19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कौन सा टीका लिया था। सैगिना काउंटी के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या टीका और बच्चे की मौत के बीच कोई संबंध है। डॉक्टर खो ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, ये ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के लिए हमारा mRNA कार्यक्रम व्यापक है, जो दुनिया में सबसे आक्रामक तरीके से होने वाले कार्यक्रम में से एक है। पत्र में डॉक्टरों ने इस टीकाकरण अभियान के कुछ समय के लिए रोकने का अनुरोध किया है। हालांकि सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सुझाव को मानने के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सिंगापुर में गुरुवार तक कोविड 19 के 62,544 मामले आए, कुल 36 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। कोरोना वायरस से सबसे बेहतर तरीके से निपटने वाले मुल्क सिंगापुर ने ऐलान किया है कि जल्द ही ये महामारी से निपटने के तरीके में मौलिक रूप से बदलाव करेगा। सिंगापुर ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए ठीक उसी तरह से कदम उठाए जाएंगे जैसा कि फ्लू जैसी बीमारी के साथ किया जाता है। जीरो ट्रांसमिशन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। यात्रियों के लिए क्वारंटाइन को खत्म कर दिया जाएगा और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट नहीं करना होगा। सिंगापुर ने इस बात का भी ऐलान किया है कि यह हर रोज़ बताए जाने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या की जानकारी देना भी बंद करेगा, लेकिन लोगों को दुकानों या दफ्तर जाने से पहले टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा कि ये कोविड के साथ जीने में न्यू नॉर्मल है। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सीटीडी न्यूज़ और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।